बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू स्टूडेंट्स टुडे आई इन ऑनर टीचर एच एस कसलो डेलीवरिंग लेक्चर फॉर क्लास टेंथ सब्जेक्ट इज इंग्लिश टॉपिक इज अभी सेकेंड लेक्चर है कल पहला लेक्चर दिया था डेट इज़ फर्स्ट जुलाई एंड रिटन बाई अब्दुल गनी शेख कल हमने मैंने आपको बताया कि अभीली एक ओल्ड लेडी होती है जो बहुत ज़्यादा मज़स्सु होती है फ़िक्रमंद होती है अपनी डॉटर इन लॉ ये ग्रैंड डॉटर जिससे हम पोती कह सकते हैं जिसका नाम होता है रुखसाना वो गई होती है ये लद्दाख में रहती है तो ओल्ड ये जो ओल्ड लेडी है तो ये कही होती है रुखसाना श्रीनगर पढ़ने के लिए तो ये जो दादी होती है ये बहुत ज़्यादा पोजिसव फ़िक्रमंद होती है कहीं पे दुनिया में कुछ भी हो जाता है तो इसको अपनी डॉटर की फिक्र रहती है क्योंकि इसको पता नहीं होता है कि श्रीनगर यहाँ से कितना दूर है इसको लगता था कि इसको ये भी नहीं पता था कि पूरी दुनिया में दो से ज़्यादा कंट्रीज़ है या दुनिया कितनी बड़ी है ये इसके बार पता नहीं थी वो अपनी इस पोती के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती थी यहाँ एक और करेक्टर होता है दैट इज़ कागा जो रुखसाना का एल्डर ब्रदर होता है वो इसके साथ अभी दादी को बोलते हैं यहाँ पे अभीली तो इसके साथ वो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करता है वो इसको बताता रहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब भी ये कोई ऐसी हरकत करती है वो हुआ ये हुआ तो ये सब इस पर हंसते रहते थे इसके घर वाले तो यहाँ पे मैं दिखाऊँगी आपको वी वुड स्टार्ट लाफिंग एंड अब बी वुड एडमानश अस यट अगेन फॉर साइनिंग रुखसाना टू श्रीनगर वैन यू एक्सप्रेसड हर एल्पनेस वी कंफर्टेड हार सींग दट श्रीनगर इज अ माउंटेन रिजॉर्ट दैट इज कॉल्ड पैराडाइस ऑनअर्थ एंड एवरी ईयर थाउजेंडस ऑफ टूरिस्ट टू विजट कश्मीर टू एक्सप्लोर इट We tried to make her understand that Rukhsana was in Srinagar, not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. When we promised her that next spring we would take her to Srinagar too, we felt silent. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Rukhsana left, she would have risen in anger and pursed her mouth, declaring, ''I won't leave my children and grandchildren to go anywhere.'' कि जब भी वो ऐसा कुछ बोलती थी कि वो कहीं पे दुनिया में कुछ भी होता था वो बोलती थी रुखसाना ठीक है रुखसाना के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी तो घर वाले जो इस पर बहुत ज़्यादा हंसते रहते थे तो हम फिर हमने उसको बताया कि वो श्रीनगर पढ़ने गई है कोई ज़बरदस्ती उसको नहीं भेजा गया है तो, तो सॉरी uh, uh, तो हम फिर हमने इसके साथ प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट स्प्रिंग जो है बाहर का मौसम आएगा तो हम आपको श्रीनगर ले जाएंगे लेकिन जब बात आती थी जाने के लिए तो वो ये अपने जो वहाँ पे इसके लद्दाख में जो इसके बच्चे और uh, ग्रैंड चिल्ड्रन जो पोते पोतियाँ थी उनको छोड़ के भी जाना नहीं चाहती थी श्रीनगर इस साइड और अभी हैज़ नॉट इवन वेंटेड बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ तो टेन माइल्स फ्राम आवर विलेज श्रीनगर को तो छोड़ो अभी जो इनकी दादी थी ये तो दस मील भी अपने गाँव से दूर कहीं नहीं गई थी टू ईयर्स ago after a gap of eight years she had made it to let for the annual death festival held here every winter to pour the town of evil she saw mask dancers and musicians leading a

एक दो मतलब एट ईयर्स पहले की बात है कि जब एक मतलब हर विंटर में वहाँ पे लह में एक फेस्टिवल होता है तो विंटर में तो उसको वहां के गए थे जब हम लेकिन वापस आ गए तो दादी ने बहुत ज़्यादा बीमारी की शिकायत की जूरिंग दोज डेज अ डॉटर ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव कैंप टू विजट अस इन आवर विलेज शी लिविड इन दैली अब बिली डी डॉट रिकोगनाइज हर एंड laughter एट हर वी selves thoroughly. लॉफ्टर एंड एंजॉयर सेल्विसाइनलीन आई बिली दिस वॉज डॉलम शी

हंसते भी थे तो दादी ने फाइनली अब उसको बोला डॉलमा कि डॉलमा स्माय वायर हैव यू कम फ्रॉम डॉलमा अब डॉलमा से ही पूछती है कि आप कहाँ से आई हो आई लिव इन दहली अम्मा मैं अम्मा मतलब मदर को बोलते हैं या दादी को बोलते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ ओ दैन यू मस्ट टू बी मीटिंग रुखसाना एवरी डे बोलते हैं कि तेल फिर आप रुखसाना से हर रोज़ मिलती होंगी अम्मा दिल्ली इज़ वेरी फार फ्राम श्रीनगर अम्मा दहली जो है वो बहुत दूर है श्रीनगर से हैव नेवर मैट रखसाना अभीली इसको बोलती है कि क्या तुमने कभी कभी रखसाना से नहीं मिली हो अबीली साइड इन डिस अपॉइंटमेंट वो उस मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुखी होगी। गई आई स्पेंड टू डेज इन श्रीनगर ऑन माई वे हियर आई ट्राई टू मीट रुखसन बट कुड नॉट लोकेट हर हाउस अमा मैंने दो दिन वहाँ निकल रही मैं श्रीनगर में जब मैं दहली से आई मैंने कोशिश भी की कि मैं रुखसाना से मिलूँ मगर मैं मुझे उसका एड्रेस पता नहीं चला ओ व्हाट हैव यू डन अबीली वॉज मिफड यू आर इन श्रीनगर इट कु नॉट फाइंड द हाउस ऑफ माय ग्रेंडर ओ ये आपने क्या किया आप श्रीनगर गई थी और आपने मेरी पोती का घर नहीं ढूंढा इट्स अ बिग स्टी माय सिस्टर इन लॉ इंटरप्टिड इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ फिक्स्ड टू सिक्स लाख्स अबीली हाउ विल पीपल नोर सवन लिवज अनलेस देव द कम्प्लीट एड्रेस यहाँ से उसकी सिस्टर इन लॉ बीच में आई तो उसने बोला उसने बात निकाली बीच में बोला कि ये वहाँ छः सात लाख लोग रहते हैं तो ये कैसे वहां पे आपकी डॉटर को ढूंढ दी एवरी वन से ऐसा ही कहा तो अबीली थोड़ा सीरियस हो गई और उसकी आंखें जो भर आई उस आंसुओं से आई अनदर फनी एपिसोड रिगार्डिंग माई अभी मुझे एक और uh, हंसता हुआ एक एपिसोड याद आ रहा है आई वॉज वेरी यंग डेज माई अंकल समटाइम्स माई अंकल रिटर्न टू दिन But left his double-barreled gun behind. Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. Abili was so tense that she could not sleep for two nights. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun, convinced her that as soon as it was touched, the bloods would explode instantly and everyone would die. She would have locked the door if it had been any other room, but how could she close off the kitchen? When Abba and Agu returned to the village, on the third day and heard about the situation they rolled on the floor with laughter ये बोलते कि एक और एपिसोड मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तो तब ये मेरा अंकल आया था शहर से वो ये शिकारी था उसके पास शिकारी गन था वो दो दिन रहता था और शिकार गन उधर ही रखता था फिर तब मेरी दादी दो दिन सोती भी नहीं थी अगर किसी और कमरे में वो ये रखता तो शायद वो उसको लॉक करते लेकिन किचन को लॉक नहीं कर सकते थे तो दादी का ये मानना था कि अगर किसी ने भी इस टच किया तो वहाँ से गोलियाँ निकलेंगे और हम सब मर जाएंगे तो जब ये उसका बाप और उसका अंकल जब वापस आया घर तो हमने उनको इस सचुएशन में तो वो सब लोग हंसते हंसते नीचे गिर गए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है तो इन कल इसका लास्ट ये लेक्चर पढ़ेंगे हम दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू